कैसे हैं आप सब लोग। बांग्लादेश टोरो श्रीलंका 20-21 साल का थर्ड ODI मैच लेके मैं फिर हाजिर हो गया आप लोगों के बीच, जहाँ पे बांग्लादेश आमने सामने होगा श्रीलंका का। यहाँ पे स्टेडियम नेम शेरे बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ढाका। बांग्लादेश लीड द सीरीज 2-0 हेड ऑफ श्रीलंका। हेड टू हेड 50 मैच खेला हुआ है, जहाँ पे बांग्लादेश ने 9 मैच और श्रीलंका ने 39 मैच जीता है। नॉन रिजल्ट 2 मैच में आया है। लास्ट 5 मैच रिजल्ट ऑफ ईच ओपोनेंट, जहाँ पे बांग्लादेश विन विन लॉस 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 और श्रीलंका लॉस 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 लॉस, लगातार 5 मैच हारा है श्रीलंका टीम। पिच रिपोर्ट, स्पिन बॉलर विल गेट हेल्प फ्रॉम पिच एंड लॉट ऑफ रन विल बी स्कोर इन द सेकेंड इनिंग्स। पर ऐसा नहीं देखने को मिला है हम लोगों को, पर इस मैच में शायद लॉट ऑफ रन देखने को मिल सकता है। वेदर रिपोर्ट, 30 डिग्री सेल्सियस, 50% चांसेस होंगे रेन आने की। ड्यू होगा नहीं सेकेंड इनिंग्स में। एवरेज रन स्कोर 207 रन, फास्ट बैटिंग एवरेज स्कोर 230 रन और सेकंड बैटिंग एवरेज स्कोर 195 रन। टोटल मैच इन द ग्राउंड 112 मैच हुआ है, जहाँ पे फर्स्ट बैटिंग ओन 52 मैच और बॉलिंग फर्स्ट ओन 59 मैच। नो रिजल्ट 1 मैच में आया है। प्रीवियस मैच प्लेइंग 11 ऑफ बांग्लादेश, लिटन दास, तमीम इकबाल, साकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, मुसद्दिक हुसैन, महमूदुल्ला रियाद, आफिफ हुसैन, मोहम्मद सैफुद्दीन, मेहदी हसन, तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान। यहाँ पे मोहम्मद सैफुद्दीन नहीं खेलेंगे, यहाँ पे उनकी जगह तस्किन को लाया जा सकता है। और प्रीवियस मैच प्लेइंग 11 ऑफ श्रीलंका, गुणातिलैका, कुशल पेरेरा, कुशल मेंदिस, अश्विन बंदारा, पथुम निकसनका, धनंजय डी सिल्वा, दसुन सनका, हसरंगा, लक्षण संदकन, ईसुरु उदाना, दुष्मंता चामिरा। यहाँ पे श्रीलंका टीम बहुत ही स्ट्रोंग है, बट वो परफॉर्म कर नहीं सक रहे हैं, परफॉर्म कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के पिच में बांग्लादेश बहुत खतरनाक टीम है। पिन दी टॉप प्लेयर ऑफ बांग्लादेश, साकिब अल हसन, तमीम इकबाल, मुशफिकुर रहीम। पिन दी टॉप प्लेयर ऑफ श्रीलंका, कुशल पेरेरा, हसरंगा, दसुन सनाका। यहाँ पे ये 3 जन लोग बहुत ही कुशल होंगे श्रीलंका के लिए। मैच प्रिडिक्शन, श्रीलंका विल बी विन दिस मैच। ईमो एंड व्हाट्सएप 0892-4174। टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़िए, स्पोर्ट्स सॉल्यूशन लिख के। धन्यवाद सभी को।